हट्टे कट्टे दमदार बॉडी वाले एक्टर शरद सक्सेना को बादशाह, मिस्टर इंडिया, त्रिदेव, गुलाम, क्रिश, हंसी तो फंसी और बजरंगी भाईजान में निभाए गए किरदारों के लिए जाना जाता है। ज्यादातर आपने इन्हें नेगेटिव रोल्स में ही देखा होगा। इन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। और हाल ही में विद्या बालन की फिल्म शेरनी में नजर आए शरद सक्सेना ने इंडस्ट्री में 35 साल पूरे कर लिए। लेकिन शरद इस बात से दुखी हैं कि इतने लंबे वक्त के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो उन्हें मिलना चाहिए था। एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। शरद बोलते हैं, क्योंकि मैं हट्टा कट्टा और मस्कुलर था तो मुझे एक्शन किरदार ज्यादा मिले, मुझे फाइट सीन भी ज्यादा मिले, हीरो मेरी पिटाई किया करते थे। काला पत्थर में मैं इंट्रोडक्शन सीक्वेंस में था जिसमें तीनों हीरो अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं, मुझे मारते हैं, अपने आप को हीरो के तौर पर स्थापित करते हैं और फिल्म आगे बढ़ती है। मैं फिल्मों में पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल होता था और मेरे फिल्मी करियर के 35 सालों की केवल यही कहानी है। शरद आगे बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री यंग लोगों की इंडस्ट्री है, बूढ़े लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। दुर्भाग्य से हम अभी जिंदा हैं और काम चाहते हैं। इस फिल्म इंडस्ट्री में बुजुर्गों को ध्यान में रखकर कितने रोल लिखे जाते हैं। बुजुर्गों को ध्यान में रखकर जो भी अच्छे रोल लिखे जाते हैं वो अमिताभ बच्चन के खाते में जाते हैं। जो कुछ खुरचन बचती है वो हम जैसे लोगों के हिस्से में आती है और हम इन्हें ज्यादातर रिजेक्ट कर देते हैं तो हमारे जैसे लोगों के पास काम ही नहीं बचता है। इस इंटरव्यू में शरद सक्सेना ने जाने माने एक्टर रजा मुराद से भी नाराजगी दिखाई। उन्होंने उन्हें लेकर कहा, जब बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो मैंने साउथ की फिल्मों का रुख कर लिया था जहां मुझे बतौर विलन काफी काम मिला। एक दिन मुझे पता चला कि आमिर खान ने उन्हें गुलाम में एक रोल के लिए रिकमेंड किया है, लेकिन उन्हें किसी ने इसलिए कॉन्टेक्ट नहीं किया क्योंकि लोगों को लगा मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया है। लोगों ने समझा मैं चेन्नई शिफ्ट हो गया हूँ और अफवाह रजा मुराद ने फैलाई थी। उन्होंने लोगों से कह दिया मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ, जिस वजह से कई लोगों ने मुझसे काम के सिलसिले में कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। जाहिर है कि शरद सक्सेना ने इंडस्ट्री में 35 साल काम किया जो कि काफी बड़ी जर्नी है और इतने सालों के बाद जो उनका दर्द झलका है वो जाहिर करता है कि वो इस बात से काफी खफा हैं कि उन्हें कभी अच्छे रोल्स ऑफर्स नहीं दिए गए और वो इंडस्ट्री में सिर्फ एक पंचिंग बैग बन के रह गए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।